मेरे जैसा व्यक्ति को क्या अब बिहार और इस देश में रहा जा सकता है। सुबह उठते हैं तो आरक्षण के लहूलुहान से पूरा देश लहूलुहान हो जाता, कहीं दलित पर गोलियां लाठी, कहीं जुर्म, कहीं अल्पसंख्यक, कहीं कमजोर, कहीं वंचित। उसके बाद उठो तो मंदिर मस्जिद से, मॉब लिंचिंग से, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, जय श्री राम, अल्लाह अकबर, राधे राधे, जय कृष्णा, जय भोले, जय बांग्ला, जय, ऐसा नफरत वाले तरीके। ये आनंद देता होगा वर्तमान समय के समाज को। नफरत इस तरह के माहौल में कोई अच्छे लोग क्या अपने परिवार के बीच, जब हम उन्माद पैदा करेंगे आरक्षण के नाम पर, आर्टिकल 15 के नाम पर, आर्टिकल 15 आएगा तो फिर आर्टिकल 70 और आर्टिकल 20 आ जाएगा, तब क्या होगा? तो ऐसे ऐसे सवाल अब मुद्दा हैं। कस्तूरबा या मुजफ्फरपुर या गैंगरेप, ऐसे मुद्दे अब इस देश के लिए कोई माने नहीं रखता। बिहार और बिहारी, बिहारीपन हम गाली के कारण है बनते रहेंगे, यही सबसे बड़ा सवाल है। हम लगातार, हम अब इस नेताओं से उम्मीद नहीं करते हैं बेटियों की सुरक्षा, मां बहन की सुरक्षा, और समाज भी बच्चियों की सुरक्षा नहीं कर सकती जब तक खुद की बच्ची और बच्चों पर नहीं आती। किसी न किसी को बड़ा सनकी और फिरंगी बनना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि कोई सिरफिरा, कोई पागल खड़ा हो जाए इन गैंग रेपिस्ट के खिलाफ। जब इनकाउंटर होता है उत्तर प्रदेश में एक गैंग, एक रेप के खिलाफ, उस भी धर्म मजहब के कारण, तो यहां भी इनकाउंटर करो या दो तीन महीने के अंदर फांसी दो। लगातार जिस तरीके से कह करके मर्डर हो रहा है कि मार दूंगा, अभी मुजफ्फरपुर में तीन, कल हम वहीं थे मानिकपुर में, कल्याणपुर में मर्डर हुआ, अजय शाह को कह करके मार दिया गया और बोला मैं मार दूंगा। एसपी मरने के पहले उनके पास वीडियो गया, कुछ नहीं बोले, मरने के बाद वो गिरफ्तार हो जाता है। और जब पप्पू यादव उसके घर पर जाता है तुर्की, तो उसके 1 बजे रात में उसकी माँ को फोन आता है कि पप्पू यादव को बुला लिए, अब पूरा खानदान को मारे। अरे पप्पू यादव गया है तो हमको मारो ना, हम तैयार हैं मरने के लिए तुम्हारे गोली से, चलो मैदान में तैयारी करो ना। अब रात के 1 बजे किसी की पत्नी माँ को फोन करके पल रहा बोल रहा, और सब कुछ मौन है। हम यहाँ की जानकारी भी गुप्तेश्वर पांडे जी को दी, सब जगह की जानकारी दी। अब ये इशूस विधानसभा में बस राजनीति का हिस्सा बन के रह जाता है, चौंचों का मुड़बुड़ा, अखबार की हेडिंग बनेंगे, चेहरा चमकाया जाएगा, सुर्खी होगी। अब तो स्थिति इतनी बुरी हो गई, सत्ता पक्ष मस्त है कि विपक्ष अपने ही घर में कैद हो चुका, अपने ही माथे से में घाव बना चुका, पैदल हो गया, पागल हो गया, विपक्ष का कोई मतलब नहीं। और मैं धन्यवाद देता हूं किसी एक नेताओं को कि आरजेडी में भूलने की हिम्मत जगाई, और सही उन्होंने कहा कि आम लोगों को का सस्पेंशन, तो फिर उनके बच्चे, बाल बच्चे, अब 1.5 साल हो गया है राबड़ी देवी जी आज तक लालू यादव से मिलने नहीं गए, तो लालू यादव को सब मिल करके क्यों समाप्त करने में लगे? और लालू यादव जी को चाहिए था, आज जरूरत है एक मजबूत निर्णय लेने की, परिवार से बाहर निश्चित रूप से आने की, क्योंकि 4 भागों में इनके परिवार बढ़ चुके हैं, जो बिहार के आम आदमी विपक्ष की आवाज को पहले ही सर्वनाश कर चुके। और विपक्ष जब समाप्त हो जाए तो आप सोचिए कि सरकार कितना निरंकुश होगा। तो इसीलिए सरकार पर कोई निरंकुशता नहीं रह गई,
आज जन अधिकार पार्टी की जिम्मेदारी है कि हर सवाल पर सरकार के कुंभकर्णी नींद को जगाए। हम उम्मीद करते हैं राबड़ी देवी को सुबुद्धि दे भगवान कि अहंकार से निकलकर जिस तरीके से राबड़ी देवी जी आज घर में ही पूरा का पूरा और भाव एक अहंकार के चलते अपने पद कुर्सी के लिए पूरे बिहार को अपमानित करना, ये कभी बिहार माफ नहीं करेगा। वो समाज जो समाज लालू यादव को देश का सबसे बड़ा नेता बनाया और उसको लालू यादव के खानदान ने जितना अपमानित किया, आज तक उतना अपमानित बिहार और हिंदुस्तान में कोई नहीं हुआ। इस शिखंडियों के तरह समाज को अपमानित करने वाला और विपक्ष को कमजोर करने वाला बिहार कभी माफ नहीं करेगा। ये हालात पैदा हो गई, इसलिए आज कोई सवाल सदन में राजनीति के अलावे कुछ नहीं रह जाता। अब ऐसे लोगों को राजनीति करने का कोई मतलब नहीं है। नया जनादेश में जाना चाहिए, नई लड़ाई की जरूरत है और